निकाय चुनाव के लिए सपा ने अपनों को किया किनारे, यादव वाले मिथक को भी तोड़ा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब पार्टी पुराने MY समीकरण से अलग राह पर चलते दिख रही है। सपा हमेशा से अपने कोर वोटर्स को ध्यान में रखती, यादव मुस्लिम उम्मीदवारों को खासतौर पर तरजीह देती रही है, लेकिन पार्टी ने कोलकाता के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद से अपनी इस पुरानी रणनीति में बदलाव किया है। पहले सपा की नई रणनीति की झलक उसकी कार्यशैली में दिखी, लेकिन अब पार्टी के बड़े फैसलों में भी इस समीकरण को तरजीह दी जाने लगी है। कोलकाता में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान पहले पार्टी ने अपने तय किया था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को भी मान्यता दी जाएगी। इसके बाद पार्टी ने पुराने नेता अवधेश प्रसाद और रामजी लाल सुमन को आगे किया था। हालांकि इसके बाद अगले ही दिन उन्होंने कोलकाता से ही BJP की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति की कार्ड खोजने की भी शुरुआत कर दी थी। सपा प्रमुख ने वहां मंदिरों का दौरा कर अपने विरोधियों को इसका संदेश भी दिया। इसके बाद अखिलेश यादव जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती पर पहुंचे तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ रखा, यानी बीते दिनों रामचरितमानस विवाद के बाद भी उनके साथ दिखे। सपा प्रमुख के दोनों ही फैसलों से स्पष्ट हो गया है कि अब उनका फोकस अनुसूचित जाति के वोटर्स की ओर जा रहा है। इसके बाद अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल यादव के साथ राष्ट्रवादी खटीक विकास समिति के रजत जयंती समारोह में भी नजर आए। इतना ही नहीं, जब कानपुर कपड़ा मंडी में आग लगी तो उन्होंने सबसे पहले कानपुर में उन व्यापारियों के बीच देखा गया जिनकी दुकानें जलकर राख हो गई। वहीं 3 अप्रैल को कांसीराम की मूर्ति का अनावरण करते हुए उन्होंने गरीब, अनुसूचित, पिछड़े व अल्पसंख्यक को वर्ग के लिए खास संदेश दिया।